लोग भारत देश के हम लोग वासी हैं, जहाँ से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, यहाँ से प्रचार प्रसार हुआ, आज हम लोग ही पिछड़ गए और हमारे यहाँ ही हम लोग ही बौद्ध धर्म को आगे ले जाने के लिए सेमिनार करते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो हमें इस चीज़ पे मंथन करना चाहिए और जो बौद्ध धर्म की वक्ताओं ने जो बताया, जो अच्छी चीज़ें हैं, हमें उसको आगे लेके आनी चाहिए। और जहाँ तक ये है कि हमें अपने अंदर अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए, हमें किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है। अभी डी के शर्मा साहब भी बहुत कुछ रख के गए, तो मेरा यही अनुरोध है कि हम बौद्ध धर्म को अपनाएं, भगवान बुद्ध के उपदेशों बताए हुए उपदेशों पर चलें, बाबा साहब अम्बेडकर की जो उनकी बताई हुई जो ये है उस पद्धति पे चलें। और जहाँ तक एडवोकेट आईआर सिंह साहब ने कहा कि अभी हम लोग भी 28 मई को गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, थोड़ा लेट से कार्यक्रम कर रहे हैं और हो सकता है वो डेट भी एक दो दिन आगे पीछे हो जाए, तो मैं आप लोगों को सूचित करूंगा और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग उस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित हो, क्योंकि वो रिजल्ट के बाद जो चुनाव जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, तो हम लोग वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो रिजल्ट के बाद करें, क्योंकि सब लोग बिजी है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं तो सब चुनाव में लगे हुए, जो IRS ऑफिसर्स हैं उनको भी चुनाव ड्यूटी में लगा दिया गया है। तो 28 मई के बाद हम लोग प्रोग्राम करेंगे और एक हमारी पत्रिका मैगजीन निकलती है, सर को पता है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं, उनकी कला है, तो एक हमने व्हाट्सएप मैसेज भी डाला है, तो जो लोग अगर कुछ अपनी लेख कविता वगैरह कुछ संस्मरण वगैरह देना चाहते हो तो आप ईमेल आईडी जो दी गई है उस पर जरूर भेज दें, 20 मई तक भेज दें, तो वो भी पत्रिका में प्रकाशित हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो मानव जाति थी वो अपने दुखों से इतनी पीड़ित थी कि उसे लगता था कि दुख, जितने भी दुख हमको आ रहे हैं, ये मेरे पूर्व जन्म के पीड़ा है जो मुझे इस जन्म में भुगतनी है। और वो उस रोग से ग्रसित था कि भाई तेरे कर्म पुराने ऐसे थे तो तूने भुगतना है। और भगवान बुद्ध ने जब देखा कि भाई ये किस तरह से लोग ग्रसित हैं और क्यों ये सत्य की तलाश में नहीं है, ये क्यों ऐसे अंधविश्वास में जी रहे हैं कि पिछले जन्म के कर्म थे और अब इस जन्म में हमें भुगतने हैं, और वो ईश्वर से भगवान से दुआ करते हैं। तो ऐसा मैंने पढ़ा कि भगवान बुद्ध को जो चेतना आई, उन्होंने उसमें चिंतन किया कि भाई जब ईश्वर ने ये दर्द और ये दुख आपको दिए हैं तो वो ईश्वर आपके दर्द और दुख कैसे दूर कर सकता है। जब आप उसी ईश्वर का आप उससे मांग रहे हैं कि भगवान ये क्यों मुझे पीड़ा का आपने साधन दे दिया है, क्यों मुझे ऐसा दुख से ग्रसित कर दिया है, क्यों मैं गरीब हूँ, क्यों मैं पीड़ित हूँ, क्यों मैं दबा कुचला हूँ, तो जब ईश्वर ने ये सब कुछ दिया है तो वो ईश्वर उसको कैसे दूर करेगा। तो इसी चिंतन की और गहन चिंता करते हुए भगवान बुद्ध ने उस समय अपना सब कुछ राजपाट त्याग दिया और उसकी चिंता की खोज भी चल पड़े। और उन्होंने चिंतन किया कि सब मिथ्या है, जो दुख दर्द से आदमी पीड़ित है वो दुख दर्द वह स्वयं ही दूर कर सकता है, कार्यरत करके, अपने प्रयास करके। और ये जो शिक्षा, उसी शिक्षा पर बुद्ध धर्म भी मेरे ख्याल से उसी शिक्षा पर चल रहा है, वही धर्म और वही अष्टांगिक मार्ग जो भगवान बुद्ध ने दिखाए थे, आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा धर्म के रूप में जाना जाता है, बुद्धिज्म उस पर थीसिस लिखी गई है। और साथ ही साथ एक समता का अधिकार कि सब व्यक्ति सामान्य हैं, सब कुछ एक जैसे हैं, किसी में कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब। इसीलिए उन्होंने भिक्षा का जो कार्य, उन्होंने कहा कि भिक्षा लेने से आपके सारे दुख दर्द वैसे दूर हो जाएंगे कि आप अपने आप को भिक्षुक बने बने। तो जब उन्होंने सोचा होगा उस जमाने में, और उस समय एक राजा खुद जाके भिक्षा अगर मांग रहा है तो देखिए कितना उन्होंने अपना त्याग किया। त्याग किस लिए किया कि लोगों के दुख और दर्द कैसे दूर हों, वो इस अंधविश्वास से कैसे बाहर निकले। और सबको सामान्य मानते हुए मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमारे जो संविधान में जो राइट टू इक्वेलिटी है, जो समानता का अधिकार है, शायद वहीं से बोरो किया है। और आज हम ऋणी हैं भगवान बुद्ध के और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के कि आज
राइट टू इक्वेलिटी के चलते हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं और हम सब एक समान हैं. Nobody is above the rule of law, the law of the land. Everybody is equal before the law. यही जो समानता का अधिकार है जो हमें मिला है. मैं नतमस्तक हूँ और आज बुद्ध जयंती के इस अवसर पर आप सभी को सुभाषीष देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा. धन्यवाद. जय बुद्ध, जय भीम. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले.